नमस्कार, जय माँ भवानी। तो आज आपके लिए लेके आए एक बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन, एक गुप्त हथियार के रूप में गुप्ति, जिसे हम रूल डंडा भी कह सकते हैं, एक डंडे के रूप में लगती है। इसको आप देख सकते हैं, एक डंडा ही लगता है बाहर से, तो इसके अंदर भी एक हथियार है जिसे किसी को पता भी नहीं चले। हाथ में वॉकिंग करने के लिए या घर में रखने के लिए काफी बेहतर आइटम है, बेहतर कलेक्शन है। आप इसको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो हम आपको दिखाने वाले हैं इस गुप्त हथियार के रूप में, गुप्ती के बारे में आपको बताएंगे पूरी जानकारी, ये किस चीज का है, कैसे बनाया गया है और इसमें कौन सा मेटल यूज किया गया है। तो इसके हैंडल की यदि बात करें तो ये पूरा हैंडल और ये जो कैप लगाई है हमने, ये चांदी में लगाई, ये प्योर चांदी में बनाई गई है। ये भी कैप इसकी प्योर चांदी में है। तो ये किसी कस्टमर ने ऑर्डर दे के स्पेशली बनवाई है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ब्लेड निकलने वाली है जो कि एक तलवार के रूप में ही, छोटी तलवार के रूप में बनाई गई है। ये देख सकते हैं, ये इसे गुप्ती कहते हैं, जो कि गुप्त नहीं चलेगा। इसके अंदर तलवार है या क्या है, खाली डंडे के रूप में लगेगा ये। इसमें दो तरह की बनाई है, एक तो ये छोटा साइज में बनाया है, इसकी साइज लगभग एक हाथ जितनी है, एक हाथ के समथिंग। ये हाथ में रखने के लिए काफी लाइट वेट है, वॉकिंग करने के लिए या घर में रखने के लिए सेफ्टी के हिसाब से काफी बेहतर आइटम है, मजबूत आइटम। इसमें कमानी का ब्लेड है, इसका ब्लेड भी काफी मजबूत है। और इसका जो कवर बनाया गया है वो कवर लकड़ी का है, प्योर वुडन में कवर बनाया है। वुडन के ऊपर लेदर लगाया गया है, लेदर भी काफी मजबूत लगाया हमने, जो कि गुप्ती को मजबूती बनाए रखता है। तो हम दूसरी वाली गुप्ती की बात करते हैं, तो ये काफी बेहतर है, जिसको आप देख सकते हैं ईगल के रूप में बनाया है। इसका शेप हमने ईगल की तरह रखा है। ये वॉकिंग स्टिक है, इसमें भी एक तरह की गुप्ती ही रखी है, गुप्त हथियार। गुप्ती का मतलब होता है गुप्त हथियार। उसमें हमने देखो, इसके अंदर से एक ब्लेड निकलता है जो काफी बेहतर है, आप देख सकते हैं। ये दिखने में तो एक नॉर्मल वॉकिंग स्टिक की तरह ही दिखती है। ये वॉकिंग स्टिक चलने में भी काम आ सकती है और इसके अंदर एक हथियार भी है, गुप्त हथियार। ये काफी कम प्राइस में भी है, लो प्राइस में है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, काफी बेहतर है। इसका कवर भी लेदर का है, प्योर लेदर का। इसकी फिनिशिंग आप एक बार फिर से देखिए, इसकी सिलाई जो है वो हाथ से निकाली गई है, पूरी हाथ से सिलाई करके। इसकी कैप वगैरह ये सब हाथ हैंडमेड आइटम है, पूरा मशीनरी कुछ भी वर्क नहीं है इसके ऊपर। इसकी डिजाइन भी देखिए, पूरी हाथ से बनाई है। तो काफी सुंदर है ये, बिल्कुल फिनिशिंग में खड़ा किया गया है, एकदम फिनिशिंग में बनाया है, पूरा फिनिशिंग में गुप्ती। तो इसमें दो तरह के मॉडल है, और भी किसी तरह के मॉडल आपको बनवाने हैं तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। और ये दोनों आइटम आपको और कहीं नहीं, आपकी अपनी दुकान जय भवानी हस्तकला उद्योग जोधपुरी तलवार वाले के पास ही मिलने वाली है। तो यदि हम इसके ब्लेड की बात करें तो इन दोनों का ब्लेड जो है हमने कमानी का यूज किया है, प्योर कमानी, जो रेल की पटरी से बताया गया आपको, उसी तरह का ब्लेड भी इसको बनाया है। पूरा फिनिशिंग में ब्लेड है, एकदम मजबूत ब्लेड बनाया है इसको। और ये वाली जो गुप्ती है, इसकी साइज हमने जो रखी है वो आप देख सकते हैं, मतलब बुजुर्गों को चलने में आसानी, काफी आसानी होगी, ये आसानी से टूटती नहीं है, मजबूत रख के चल सकते हैं। और ये अपने पिताजी को गिफ्ट करने के लिए या घर में किसी भी बुजुर्ग को, जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आइटम है, शानदार। तो इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, काफी सुंदर फिनिशिंग है, आप देख सकते हैं ये फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया शानदार दिखने वाली है आपको। तो ये जो गुप्ती है, जिस किसी भाई को लेनी है, हमारा शॉप का एड्रेस तो आप सभी को बताइए और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी भाइयों के पास होगा या स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9610407482 और मेरा जो शॉप का एड्रेस है वो है आड़ा बाजार कुमारी कुआ जोधपुर राजस्थान।
जो कोई भी भाई लेना चाहता है मुझे व्हाट्सएप जरूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। जुड़े रहे हमारे चैनल यूट्यूब चैनल जोधपुरी तलवार के साथ, आपको डेली न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। रोज नई नई तलवारें देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। नमस्कार।